हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो हर इंडियन या हर लोग, जो भी जितने भी लोग होते हैं, वो लेडीज हो या गर्ल्स या बॉयज कोई भी हो, वो सभी लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ से। एक तो आपकी स्किन जो थोड़ा सा डार्क शेड में है उसके लिए, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मोटापा होता है अपना बॉडी का, उसके लिए हर कोई परेशान रहता है। आप सबको पता है ये चीज़, तो मुझे भी पता है, बट आप बोलोगे इसमें नया क्या है, तो नया क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको वेट लूज करना है तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि उसकी हेल्प से आप काफ़ी वेट लूज कर सकते हो। वेट लूज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किन को निखार सकते हो। और मैं वो चीज़ बहुत दिनों से ले रही हूँ, आपको पता है, मैंने किसी को आज तक बताया नहीं है, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो मैं क्या चीज़ लेती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं एक मिल्क मतलब आप एक ड्रिंक यूज़ करती हूँ, तो उस ड्रिंक से मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी प्रिपेयर रहती है, और काफ़ी अच्छे मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे वो चालू रहता है अच्छे से। जैसे सर्दियों में क्या होता है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है गर्म सर्दी की वजह से, तो क्या होगा कि उस चीज़ को आप सर्दियों में ही स्पेशली यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको वो ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ आज, कि आप उस ड्रिंक को पीने के बाद अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से, पहले से जैसे अब मेरी बॉडी है उससे भी और अच्छे से आप सुधार सकते हो, आपकी स्किन को शाइनिंग एंड ग्लोइंग कर सकते हो, आपकी स्किन को थोड़ा सा आप जो आपकी जो पिम्पल्स की है उसकी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे फायदे मैं बताते बताते कम पड़ जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आगे बात ना करते हुए आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ कि इसको आपको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से लेना है। और इस चीज़ को मैं पहले से मेंशन कर देती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं लेना है, जिसका पीरियड्स आ रहा है उनको ये नहीं लेना है, और जो जिनका अभी अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है, किसी चीज़ की सर्जरी वगैरह हुई है, उन लोगों को ये नहीं लेना है। क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या है, आपके लीवर पर उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको जिस टाइम पर नहीं लेना है वो मैं आपको बता, जैसे प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, आपकी सर्जरीन हुई है, सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे अभी अभी एक बेटी हुई है तो मेरे को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद मैं इतने देर बाद मैं ले सकती हूँ। तो ये ड्रिंक के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ आपको, आपके साथ मेरा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ आप शेयर कर लीजिएगा। तो बनाना करते हैं स्टार्ट, अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताओगे ना जरूर, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर बताना मुझे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उस ड्रिंक के बारे में आपको मैं बहुत दिन से बताने की सोच रही थी, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ, पर आज फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ, वो ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो बनाना करते हैं स्टार्ट। और आपको वो रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके एंड लाइक करके बताना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको वो रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो लाइक जरूर करना, लाइक अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कहने का मतलब। तो अगर आपको वो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके बताना, उससे मैं समझ जाऊंगी आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करना चाहते हैं और कितनी आपको मेरी रेसिपी वगैरह पसंद आती है। तो बनाना करते हैं स्टार्ट, टन टन चलते हैं। ये है वो रेसिपी जो मैं आपको बताने, वो ड्रिंक जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये ड्रिंक किस तरीके से बनाना है वो आपको मैं बता देती हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं अपन बताना। तो इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा आप, मेरे कहने पे एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अपनी बॉडी का वेट कम नहीं हो रहा है तो उसके लिए, दूसरी बात आपकी बॉडी पे अगर आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ब्लड क्या है, कई बार क्या होता है किसी का जम जाता है और गंदा हो जाता है पूरी तरीके से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर से। तो आपको उसको सही करने के लिए क्या करना है, ये ड्रिंक यूज करनी है। और इस ड्रिंक के तो बहुत सारे फायदे हैं, आपको मैं कभी फ्री होंगी तब मैं आपको पक्का बताऊंगी, अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से बनाना है आपको। तो दूध आपको लेना है सबसे पहले, दूध, और दूध को इतना गर्म लेना है कि आप उसको पी सको, ज्यादा गर्म आपको नहीं लेना है। और मैंने बता दिया कि किन किन लोगों को ये यूज नहीं करना है, वो बिल्कुल भी यूज मत करना इसको। तो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि हमको दूध पीना पसंद नहीं है, ठीक है, अरे भाई नहीं होगा किसी को पसंद, कई कई लोगों को नहीं होता है पसंद, हमको भी पसंद नहीं है, बट आपकी हेल्थ सही रखनी है तो वो तो पीना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ी सी इलायची। इलायची से क्या होता है कि जो स्मेल होती है दूध की वो निकल जाती है पूरी तरीके से। तो आपको सबसे पहले इसमें ऐड करना है इलायची पाउडर थोड़ा सा, और इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके बाद आपको ऐड करना है, अगर आप फीका नहीं पी सकते हो तो आप इसको, अगर वेट लॉस करना है आपको पूरी तरीके से, तो आपको ऐड करना है इसमें थोड़ा सा गुड़, ब्राउन शुगर मींस, तो इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर।
तो हमने ये सब कुछ ऐड कर लिया। इलायची मैंने इसलिए ऐड करी है ताकि जिसको दूध वगैरह पीना पसंद नहीं हो वो इसकी दूध की स्मेल ना आए और वो दूध पीना स्टार्ट कर दे। और सेकंड चीज़, मैंने इसमें गुड़ इस्तेमाल किया था। गुड़ क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि उससे वेट लॉस होता है। दूसरी बात, आप उससे काफ़ी मतलब कि कोई लोग फीका नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली गुड़ ऐड किया है इसमें। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। हल्दी हल्दी तो आप सबको पता है कि क्या फ़ायदे करती है अपनी आपकी बॉडी के लिए, तो वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा दूध अच्छे से रेडी हो चुका है और गुड़ भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसको आपको लेना है, आपको इसको मतलब दिन में कम से कम एक बार तो लेना ही लेना है। अगर 2 बार लोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको आपको महीने या 2 महीने आप ट्राई करके देखिए, आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी, इतना शाइन करेगी कि आप खुद यकीन नहीं करोगे कि मेरी स्किन है या किसी और की स्किन है। तो आपको इस तरीके से जरूर लेना चाहिए, मैं कहूँगी। अब तो सर्दी चल रही है, सर्दियों में तो आप इसको लोगे तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। गर्मी में आपको ये कम से कम लेना है, मतलब कम मात्रा में इसमें हल्दी और वो कम ऐड करनी है। और अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी यूज़ कर सकते हो। और तो इस ड्रिंक को लेना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको आपकी बॉडी को अच्छा करना है, शाइनी एंड ग्लोइंग करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको पीना। तो अगर आप ये ड्रिंक इस्तेमाल करोगे तो सच में आप यकीन कीजिए आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आपने कोई आपसे हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या ट्राई करते हो जो आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतना वो कर रही है। तो इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। इसके काफी सारे रिजल्ट है, आप खुद इसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको इसके रिजल्ट मिले या नहीं मिले। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और इलायची से स्मेल भी नहीं आती दूध में बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।